बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम फ़ज़ील अहमद है और आप देख रहे हैं एनेस्थीजिया एंड पेन मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सी सेक्शन के बारे में, सिजेरियन सेक्शन के बारे में कि उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस एनेस्थीजिया की कौन सी होती है, उनको किस तरह बेहोश किया जाता है। यानी कि आसान लफ्ज़ों के अंदर जो बच्चे का ऑपरेशन होता है, जिसमें बड़ा ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जाता है, सी सेक्शन किया जाता है, उसके अंदर मरीज़ को किस तरह नशा दिया जाता है, किस तरह बेहोश किया जाता है और उसके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी होती है इस वीडियो के अंदर, और कौन सी उसके लिए चॉइस ठीक नहीं होती है एनेस्थीजिया के हवाले से, तो इस वीडियो के अंदर सारी बात करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो है तो आप लोगों ने वीडियो को कम्प्लीट देखना है, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मोस्टली सी सेक्शन के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसमें स्पाइनल एनेस्थीजिया लगाया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीजिया के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। स्पाइनल एनेस्थीजिया एक रैपिड एक्शन करने वाला जो है टेक्निक है, इसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होती हैं। अगर तो पेशेंट जो है वो उसकी साइट ठीक है, इंजेक्शन साइट जहाँ पर, और उसको कोई नीडल फियर नहीं है, या उससे पहले कोई उसकी सर्जरीज नहीं हुई थी और उसको नीडल से कोई फियर खौफ नहीं है, तो फिर उसको स्पाइनल एनेस्थीजिया लगाया जाता है। इसमें बच्चे के लिए भी और माँ के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। स्पाइनल प्लस एपिड्यूरल दोनों को लगाते हैं। स्पाइनल में ये एक्शन जो है वो रैपिड ऑनसेट होता है उसका, और जो एपिड्यूरल लगाएंगे उसके साथ कंबाइन, तो उससे जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए पेन रिलीफ मिलता है, पेन को मैनेजमेंट किया, पेन मैनेज की जाती है। तो इसलिए एपिड्यूरल प्लस स्पाइनल भी लगाया जाता है, स्पाइनल भी लगाया जाता है, अकेला स्पाइनल भी। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, इमरजेंसी अर्जेंसीज होती हैं, या फिर आपको इंजेक्शन साइड पे, स्पाइनल इंजेक्शन साइड पे इन्फेक्शन है या कोई डिफॉर्मिटी है, या आपको उससे पहले लोकल एनेस्थेटिक से कोई एलर्जी है, तो फिर आपको जो है जनरल एनेस्थीजिया दिया जाता है, मुकम्मल बेहोश किया जाता है, या किसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, तो उसमें बच्चे और माँ दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो स्पाइनल एनेस्थीजिया जो कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है वो सबसे सेफ़ है माँ और बच्चे के लिए। हाँ, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं बाद में, इंजेक्शन साइड की पेन, और इसके अलावा नॉर्मल हाइपर, कुछ थोड़ी सी हाइपोटेंशन होती है, और इसके अलावा पोस्ट पीडीपीएच के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत मामूली हैं, इनको ट्रीट किया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पाइनल एनेस्थीजिया बेस्ट चॉइस होती है सी सेक्शन के लिए।